अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? नाजरीन उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नविदा वहीद हाजिर है एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, बड़ी ही यूनिक और मजे की और बहुत ही बच्चों को खुश कर देने वाली चीज। नाजरीन आज हम बनाएंगे ऐसे स्नैक्स जो के बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप यकीन करें कि बच्चे जो है ना खेलेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आप उनकी जो है ना सुपर मॉम बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम मैदा जो है ना छान के ले लिया, जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 6 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं, क्योंकि ये 3 पाव तकरीबन मैदा बनता है, इसलिए जो है ना आधा किलो में 4 डालते हैं और इसमें मैंने 6 डाले हैं। ठीक है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। पहले मैं इसको गूंद कर इसकी डो बनाकर रख दूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि अगला प्रोसीजर हमने क्या करना है। ठीक है, अब मुट्ठी बनना शुरू हो गई है तो पानी डाल के जो है ना मैं इसको ना सख्त किस्म का गूंद लूंगी, आटे से ज्यादा सख्त हमने गूंदना है। ठीक है, तो जी नाजरीन ये डो जो मैंने बनाई थी, आटा जो हमने गूंदा था, उसकी मैंने एक सिंपल रोटी बेल ली। ठीक है, इसकी जो है थिकनेस वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ना क्या हम बनाने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हम बनाएंगे शेप्स। ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम शेप्स जो है ना सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ बच्चे तो जल्द सीख जाते हैं लेकिन बाज़ बच्चे नहीं सीख पाते, इसलिए ये वाली शेप्स हम बनाएंगे, बच्चों के सामने रखेंगे, उनको नाम भी बताएंगे और उनको खाने के लिए भी देंगे, इस तरह वो खा भी लेंगे और सीख भी लेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं कोन की शेप बनाऊंगी। ठीक है, ये जो है हमारी कोन की शेप बन चुकी है। ठीक है जी, इसका एक साइड पे कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जितना हमारा ये इक्वल होती है उसकी तीनों साइडें, ये हमारी रेक्टेंगल बन गई है। अब स्क्वायर बनाएंगे, जी नाजरीन गोल शेप के लिए, सर्कल के लिए जो है ना ये देखिए नहीं जबरदस्त बन गया। ये हमारा सर्कल बन चुका है जी नाजरीन। इस तरह करके हम जो है ना सिलेंडर की शेप देंगे, इसके किनारे जो होते हैं ये होते हैं थोड़े से गोल, इसको यूं काट लेंगे। जी नाजरीन ये हमारी तकरीबन सिलेंडर शेप जो है ना बन चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा तो प्यारी बहनों सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि आप उनको सिखाएंगे कैसे। एज अ टीचर मैं आपको बताती हूँ कि आप उनको कैसे सिखाएंगे। ये शेप्स आपकी बन गई, आपने इनको फ्राई कर लिया, ये बिल्कुल इनका जायका नमक पारों की तरह होगा। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों से ये कहना है कि मतलब जब आप इसको बना लेंगी कि बेटा आए हम शेप्स बनाते हैं, इसको आप फ्राई करेंगी करके फिर उसके बाद आप उनको जब देंगी तो आप उनको सबसे पहले बताएंगी कि ये इनका नाम बताएंगी, उसके बाद आप बच्चे से पूछेंगी कि आप कौन सी शेप लेना चाहते हैं, कौन सा खाना पसंद करेंगे आप, बेटा आप बताएं। जब वो कहेगा जी मैं सर्कल पसंद करूंगा, मैं ट्रायंगल पसंद करूंगा, तो फिर आपने उसे कहना है कि जी आप उठाएं। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे को कितनी समझ आई है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में एक दफ़ा के प्रोसीजर में हो जाएगा और अगर नहीं तो आप बार बार एक दो दफ़ा कर लें, एक दफ़ा में ये जो है ना आपका बच्चा इंशाल्लाह सीख जाएगा। ठीक है, अच्छा तो प्यारी बहनों तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का गर्म तेल आपका होना चाहिए। प्यारी बहनों अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहन की हौसला अफजाई करें। ठीक है, बहुत हल्का सा गर्म आपका जो है ना
तेल होना चाहिए और इनको डीप फ्राई करेंगे आप, ठीक है। ये सर्कल डाल देंगे, एक दफ़ा बच्चों को बताएं सारे नेम्स, ये स्क्वायर डाल देंगे। ये हमारी ट्रायंगल है, बस इतना काफी। जी तो प्यारी बहनों ये फूल भी रहे हैं, हालांकि आटा गूंदे हुए अभी सिर्फ मुझे एक घर का हुआ। ये शेप्स बनाइए और अपने छोटे बच्चों को जरूर इनके बारे में बताइए, ये जिंदगी में कभी उनको नहीं भूलेंगी। मैंने अपने बच्चों को जब ये छोटे थे तो मैंने इसी तरीके से इनको सिखाया था, ये नमक पारे जो है ना उनकी शेप बन गई, ठीक है। आपने प्लेट में इसको रखना है, उनको पहले नाम बताने हैं एक एक करके, उसके बाद आप उनसे कहें जी बच्चे आप कौन सा खाना पसंद करोगे, बेटा आप बताएं मुझे नेम बताएं, ठीक है। और इस तरीके से बार बार इनको रखें और उनको बताएं, ठीक है। एक दो दफा आपको बताना पड़ेगा, अगर वो गलत बच्चा बताता है तो उसको एक दफा और बता दें, ठीक है, जब तक ये उसको याद ना हो जाए। अब मैंने ये एक एक बनाई है, आप इसकी तीन तीन चार चार बना लें, ज्यादा बना लें, छोटी चाहती हैं छोटी इससे भी छोटा कर लें और इसको जार में या किसी बर्तन में इसको रख लें, ठीक है। तो डेली बेसिस पे उन बच्चों को जो है ना एक एक दफा ये दे दें स्नैक टाइम, चाय के टाइम पे, तो ये बहुत जबरदस्त रहेगा। जी तो प्यारे प्यारे किड्स, प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, ये देखिए हमारी शेप्स जो है तैयार हो चुकी है। ये है सर्कल है, देखे कितना गोल है, ठीक है। ये है हमारी ट्रायंगल और इसके किनारे देखे, तीन किनारे तीन कोने इसके, ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये है हमारा स्क्वायर, इसको मुरब्बा भी कहते हैं उर्दू में। किड्स आप क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ेंगे इसलिए मैं इंग्लिश में ही बता रही हूँ। इसके चारों कोने बराबर होते हैं और ये है जनाब सिलेंडर, ठीक है। नीचे से भी गोल है, ऊपर से भी गोल है, लेकिन नीचे से ये इक्वल भी हो सकता है, ऊपर से गोल ही होगा। दोनों कोने इसके गोल होंगे और लंबाई में इसकी शेप होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है हमारी कोन, ठीक है, ये हमारी कोन है। ये वो वाली कोन नहीं है जो आप आइसक्रीम खाते हो, ये स्नैक्स हैं, बड़े मजे की है, नमकीन है, बहुत मजा आएगा खाने में। और ये देखे जनाब ये रेक्टेंगल है, देखे कैसे फूल गया, और ये इतने क्रिस्पी हैं कि आप हम इसको तोड़ने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे हैं तो ये मैं उनको सिखाऊंगी बताऊंगी और उनको मैं ये दूंगी खाने के लिए। तो प्यारी बहनों जरूर बनाएं, ये 10 मिनट का काम है। आप सिर्फ एक कप मैदा बना लें, ठीक है, और ये 10 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। सख्त सा उसको गूंदें और इसकी शेप्स बनाएं। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकूं, बता सकूं। बच्चों को एक दफा बताने के बाद, दो दफा बताने के बाद उनसे कहें कि आपको क्या चाहिए, उठाएं और फिर उसका नाम पूछें। उनसे कहें यहां से सर्कल उठाएं, यहां से रेक्टेंगल उठाएं, तो इस तरह से उन बच्चों को आ जाएगा। इसके साथ ही प्यारी बहनों वीडियो को मुकम्मल करते हुए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की ढेरों खुशियां दे और अपने बच्चों को बड़ा होते हुए फलते फूलते और इनको अपने कदमों पे खड़े होते कामयाब होते अल्लाह आपको दिखाए। आमीन सुम आमीन। बहन को भी दुआ में याद रखें। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।